उधर आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन कर रही है जिसमें कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन से पहले संदीप पाठक से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की जिसमें उनका कहना है कि हमारी पार्टी के पूरे देश में जनप्रतिनिधि फैले हुए हैं और तो और सभी से मिलना जरूरी भी होता है ताकि जो सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर बात की जा सके। पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पहला इस तरीके का कन्वेंशन क्या सर एजेंडा है, किस तरीके की बातें जो हैं आज समझने की इस कन्वेंशन में होती हुई नजर आएंगी? देखो, पहला एजेंडा तो यही है कि हमारे पूरे देश में अब जनप्रतिनिधि फैले हुए हैं, हर जगह हर स्टेट से हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, तो ये पहला कन्वेंशन है। चूंकि अब पार्टी बड़ी हो चुकी है, चूंकि अब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है, हमारे जनप्रतिनिधि हर स्टेट्स में हैं, तो सबसे समय समय पर मिलना ज़रूरी है, उनसे मिलकर बातचीत करके जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है और आपस में मेल मिलाप भी ज़रूरी है। तो ये उसी प्रक्रिया के यह पहला चरण है और पहला कन्वेंशन है। किस तरीके का संदेश आप समझते हैं पार्टी इससे जो है मजबूत होती हुई नजर आएगी, खासतौर पर आने वाले समय में दो राज्यों में चुनाव है, पंजाब में आपने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी चुनाव में, तो किस तरीके का असर समझ रहे हैं कि गुजरात की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें इससे पड़ता हुआ नजर आएगा? संकेत तो बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ है। देखो, आम आदमी पार्टी की अभी दो राज्यों में बहुत मजबूती के साथ, बहुत इतने सारे MLAs के साथ सरकार है दो राज्यों में। उसके अलावा अभी दो राज्यों में और अभी चुनाव हिमाचल है और गुजरात होने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि गुजरात भी इस बार अभूतपूर्व नतीजे देने वाला है, हिमाचल प्रदेश भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल चुकी है और हमें संकेत देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। वो बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब आपके जनप्रतिनिधि सारे राज्यों में फैले हुए हैं, उससे भी बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ आपको, आज आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाइए, आप पहले 10 आदमी से पूछिए कि भाई साहब आपको क्या लगता है इस देश को नंबर वन कौन बना सकता है, आपको 10 में से 6 आदमी आज ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि इस देश को नंबर वन सिर्फ केजरीवाल बना सकते हैं और आम आदमी पार्टी बना सकती है। ऑपरेशन लोटस को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं, क्या आज इस तरीके की बातें होंगी या फिर किस तरीके से इसको? आज की राजनीतिक परिस्थितियों में ऑपरेशन लोटस एक बड़ा, मुझे कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए और जनता को इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो ये संदीप पाठक जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक दिन का राष्ट्रीय कन्वेंशन होने वाला और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें तमाम ऐसे मसले उठाए जाएंगे जिसमें पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए या फिर संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में भी इसका सीधे तौर पर फायदा जो है आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आए। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।